नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आयुष डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का किया गया ऐलान। 31वीं न्यायिक सेवा मेंस परीक्षा के पेपर की तारीख में हुआ बदलाव। निर्धारित समय पर ही होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। बिहार में काबा फेम नेहा सिंह ने ममता दीदी को दी नसीहत। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CGPEB ने निकाली रिक्तियां। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CGPEB ने मंडी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 168 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 4 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट cgvyapan.choice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। निर्धारित समय पर ही होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती की परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के बवाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से यह साफ किया गया है कि 21 मार्च को होने वाली दोनों पाली की परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही होने वाली है। परीक्षा रद्द करने के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हालांकि अब सख्ती से पेश आया जाएगा। इसको लेकर आयोग के विशेष कार्यपदाधिकारी के प्रसाद ने थाने में आवेदन देकर परिषद और सरकार को बदनाम करने के लिए ही ऐसी अफवाह फैलाने की बात कही है। इसके साथ ही मामले में तुरंत कार्रवाई का भी आग्रह किया है। मधुबनी के भगवती स्थान उच्चैठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिथिला में एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ के नाम से जाना जाने वाला भगवती स्थान उच्चैठ बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा मां सिर्फ कंधे तक ही दिखाई देती है, कंधे के ऊपर इनका सिर नहीं है। मान्यताओं के अनुसार कालिदास पहले काफी मूर्ख थे, परंतु इसी स्थान पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बने। 31वीं न्यायिक सेवा मेंस परीक्षा के पेपर की तारीख बदली। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 31वीं न्यायिक सेवा की लिखित परीक्षा की तारीख को बदलकर अब आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह परीक्षाएं 11 अप्रैल को पहली और दूसरी पाली में होने वाली थी, इन्हें अब 13 अप्रैल को आयोजित कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोग ने मुख्य परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया था, जिसके बाद देर शाम दोबारा नोटिस जारी कर एक परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। आयोग की माने तो अन्य परीक्षाएं जारी शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। ये परीक्षाएं 8 से 13 अप्रैल तक दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। बिहार में अब जल्द ही शुरू होगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। बिहार में अब से जो भी विधायक अपने काम में पूरी निष्ठा से करते दिखेंगे उन्हें सम्मानित करने का काम शुरू होने वाला है। इस बाबत बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उत्कृष्ट सांसद की तर्ज पर अब उत्कृष्ट विधायक का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिसके बाद उत्कृष्ट काम करने वाले विधायकों के नाम का ऐलान खुद विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की माने तो बिहार की छवि और सम्मान बढ़ाने के लिए ही यह निर्णय लिया गया है। हालांकि यह भी साफ किया गया है कि एक विधायक को एक बार इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, बार बार एक ही विधायक को सम्मानित नहीं किया जाएगा। बिहार में आरक्षित कोटे में केवल होगा बिहार की महिलाओं का हक। बिहार में रहने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार हर संभव कोशिश करती नजर आई है। इसी क्रम में बिहार में आरक्षित कोटे के तहत महिलाओं की जितनी संख्या में नियुक्ति होनी है उसमें केवल बिहार की महिलाओं को ही हिस्सेदारी मिलेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित नौकरी लगभग 60% तक हो चुकी है। शेष 40% को गैर आरक्षित वर्ग की रिक्ति कहा जाता है। इसके अंतर्गत किया गया मेरिट के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर की महिलाओं के लिए आरक्षण खुला रखा गया है, जिसको लेकर सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी हाल ही में अपना बयान जारी किया था। बिहार के शान मघी पान की अब होगी विदेशों में भी सप्लाई। बिहार के मघी पान आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार की यह पान पूरे बिहार और देश में तो प्रचलित है ही, अब इसका प्रचलन बिहार के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जल्द ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बीच टाई अप होने जा रहा है, जिसमें GI टैग प्राप्त उत्पाद मखाना, जर्दालू आम, कतरनी चावल, लीची एवं मघी पान का एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया गया है। विदेशों में निर्यात करने के लिए कुछ क्वालिटी टेस्ट की जरूरत होती है। टेस्ट में उत्पाद के ओके होने के बाद ही उसका निर्यात किया जा सकता है। नमामि गंगे योजना के तहत आज से शुरू होगा गंगा नदी का सर्वे। आज से नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के सर्वे का काम शुरू होने वाला है। सर्वे के दौरान गंगा नदी की लंबाई के अलावा दोनों तरफ चौड़ाई को भी देखने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही शोधकर्ता अब ये भी देखेंगे कि गंगा नदी में गिर रहे गंदे पानी और नालों सीवर का पानी कहां से आ रहा है। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब ये भी देखा जाएगा कि
गंगा नदी के किनारे कितने मकान का निर्माण करवाया गया है, अतिक्रमण की क्या स्थिति है और गंगा नदी में फिलहाल कौन कौन से जलीय जीव है, जिसकी शुरुआत बिहार के भागलपुर जिले से होने वाली है। भागलपुर के बाद कटिहार और साहिबगंज जिले में भी सर्वे का काम करवाया जाएगा। अगले दो दिनों में बिहार के इन जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में मौसम की अटखेलियां शुरू हो गई हैं, जहां पछुआ हवा बहने के कारण तापमान में वृद्धि देखने को मिली थी, वहीं अब आने वाले दो दिनों में दक्षिणी मध्य भाग के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आंधी भी चल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और नवादा जिले में आंधी के साथ बारिश भी होने के आसार है। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिलेगा होली का तोहफा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को होली का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके तहत होली के बाद इन सभी शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही सॉफ्टवेयर में भी बदलाव होने वाला है। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि 1 अप्रैल से नए वेतनमान के साथ नया सॉफ्टवेयर भी तैयार होने वाला है, जिसके बाद ही सॉफ्टवेयर में उन सभी बातों को शामिल किया जाएगा जो सदस्य चाहते हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने फिलहाल नियोजित शिक्षकों से सॉफ्टवेयर में किन किन बदलावों की जरूरत है, इस सवाल को लेकर जवाब की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम आसान हो, इसके लिए ही अब आप अपने सुझाव सरकार के पास भेज सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य के नियोजित शिक्षकों के लिए 2015 की भांति वेतन निर्धारण के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण सरकार की तरफ से करवाया जाना है। बिहार में सभी सार्वजनिक जगहों पर शुरू होगी रैंडम चेकिंग। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए शहर में कोरोना को मात देने के लिए अब मास टेस्टिंग और फिर सैंपलिंग की शुरुआत कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए ही अब सरकार ने नए सिरे से सभी सार्वजनिक जगहों पर टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग मार्ट, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार में मास सैंपलिंग कराई जाएगी, यानी कोरोना की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए सभी लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। बिहार कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट की इस महीने के अंत तक हो सकती है घोषणा। बिहार में कांस्टेबल के 11,880 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित किया जा सकता है। इन पदों के लिए एक विज्ञापन 2019 में निकाला गया था, वहीं लिखित परीक्षा का आयोजन जनवरी साल 2020 में करवाया गया था। हालांकि खबरों की माने तो अब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परिणाम घोषित करने के अंतिम चरण में है, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहे बिहार में 11,880 कांस्टेबल की भर्ती में कानून व्यवस्था को संभालने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही नौजवानों का करियर भी शुरू हो सकेगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के ओएसडी कमलकांत प्रसाद ने कहा है कि नतीजों को फाइनल टच दिया जा रहा है। बिहार के कॉलेजों की बद से बदतर हो गई है व्यवस्था। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों की बदहाल हुई व्यवस्था ने शिक्षा विभाग पर भी फिर से सवाल उठा दिया है। हाल ही में बिहार के विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक से मिले ग्रेडिंग के आंकड़े साझा किए गए हैं, जिसने बिहार के उच्च शिक्षा के स्तर को उजागर किया है। जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार के किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से A++ ग्रेड हासिल नहीं है। अब तक बिहार में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या भी काफी कम है। पुरानी पद्धति के अनुसार 7 शिक्षण संस्थानों के पास नैक से ए ग्रेड प्राप्त था। आयुष डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाएगी सरकार। राज्य के आयुष डॉक्टरों का मानदेय सरकार अब जल्द ही बढ़ाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसका ऐलान खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है, जिसके तहत राजद विधायक आलोक मेहता ने बीते दिन सदन के दौरान आयुष डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाकर MBBS डॉक्टरों के बराबर किए जाने का मामला उठाया था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि MBBS डॉक्टरों के मानदेय के वृद्धि के बाद अब आयुष डॉक्टरों के मानदेय को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आयुष डॉक्टरों के मानदेय वृद्धि को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सदन में सरकार को अपनी कार्यशैली सुधारने की बात कही थी। बिहार में घपले की मंत्री जी ने मानी बात। विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र का आयोजन करवाया जा रहा है, जहां हर दिन विधानसभा में अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत भी होती रहती है। इसी क्रम में अब बीते दिन भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसने श्रम संसाधन विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है, जिसके तहत मंत्री ने खुद यह स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है और जांच जारी है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि महाराष्ट्र की जिस कंपनी को श्रम विभाग ने बेरोजगारों को ट्रेनिंग देने के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया, उसने भारी गड़बड़ी की है।
बिहार में अगले महीने से होगी समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदारी। बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना राज्य सरकार ने बनानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत ही राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदारी करने का निर्णय लिया है। सीएम नीतीश कुमार की पहल पर इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। राज्य में दलहन की खरीदारी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। खरीदारी 15 अप्रैल से की जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। रबी विपणन मौसम 2020-21 के दौरान दलहनी फसलों में चना और मसूर की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होनी है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत अशोक कुमार सिन्हा को राज्य अपीलीय प्राधिकार का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। पूर्व मुख्य सचिव जो प्राधिकार के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के अनुरूप सुविधाएं मिलने वाली है। जानकारों की माने तो भूतपूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के पद पर योगदान की तारीख से 5 साल अथवा 70 साल की आयु तक, दोनों में से जो कम हो उसके लिए अपना पद धारित करेंगे। शहरों में अतिक्रमण किया तो अब देना होगा जुर्माना। राज्य के शहरी निकायों में अतिक्रमण करने पर अब आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि लोगों को इस गलती के लिए 1,000 की जगह 5,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त करने के लिए बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। विधानसभा में इस विधेयक को डिप्टी सीएम सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस विधेयक में नगर निकाय अतिक्रमण या किसी तरह के अवैध कब्जा को हटाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होंगे। आज गौरैया दिवस पर पटना जू में दिखेगी छात्रों की मैराथन। पटना विश्व गौरैया दिवस के मौके पर संजय गांधी जैविक उद्यान में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। इस खास मौके पर बाल मैराथन का भी आयोजन होने वाला है, जिसमें शहर के सरकारी स्कूल के 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के करीब 100 से अधिक छात्र हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान कलाकारों की तरफ से गौरैया पर आधारित कलाकृतियों का भी प्रदर्शन किया जाना है। इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि गौरैया दिवस पर पटना जू के केना गार्डन में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। होली के मौके पर नई दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। होली में यात्रियों के आने जाने वालों के लिए पूर्व मध्य रेल 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने वाला है। ये स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से पटना गया बरौनी और जोगबनी तक चलाई जाएगी। हालांकि इन सभी स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित होंगे। वहीं इनमें सवार सभी यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना आवश्यक होगा। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। इन गाड़ियों का दिन समय ठहराव पूर्वरत होगा। स्पेशल ट्रेन के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के ही होंगे। बिहार में काबा फेम नेहा सिंह ने ममता दीदी को दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अपने गाने बिहार में काबा को लेकर सुर्खियों में आई नेहा सिंह राठौर अब एक बार फिर से अपने गाने को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं, जिसके तहत नेहा ने अब पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना गाना गाया है, जिसके तहत उन्होंने अपने गाने के माध्यम से ममता दीदी को चुनाव को लेकर 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत गाने में उन्होंने ममता बनर्जी को जय श्री राम नारे को लेकर सलाह भी दी है। अपने गाने में नेहा ने ममता बनर्जी को बंगाल का काल बताया है। होली के रंग में नेहा का ये गाना सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में आ गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल 64% मंत्रियों को बताया दागी। इन दिनों विधानसभा में बजट सत्र को लेकर हर दिन बैठक हो रही है, जहां हर दिन सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। इसी क्रम में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को लेकर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के 31 मंत्रियों में से 18 यानी कि 64% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय पर लगे आरोप को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार अपने मंत्री को बचा रही है, लेकिन उनके खिलाफ सारे सबूत आज विधानसभा अध्यक्ष को दे दिए गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 में स्थापना आज के दिन हुई थी। दिल्ली सल्तनत पर नादिर शाह ने 1739 में आज के दिन कब्जा किया था। सीएफ एंड्रयूज महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में आज के दिन शामिल होने के लिए 1904 में भारत आए थे। 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में आज के दिन पराजित हुई थी। गौरैया नाम की चिड़िया को बचाने के लिए 2010 में पहली बार विश्व गौरैया दिवस आज के दिन से मनाया जाने लगा था। भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत का 1987 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय गायक अलका याग्निक का 1966 में जन्म आज के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध पत्रकार लेखक उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह ने 2014 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा।
बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर हुआ हंगामा। विधानसभा में बीते दिन विपक्ष ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का जमकर विरोध किया। इसको लेकर विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया, साथ ही खूब नारेबाजी भी की और सदन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही विरोधी सदस्यों ने बिल की कॉपी तक सदन में फाड़ने का काम किया, जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही बिहार विधानसभा की तरफ से जारी बजट सेशन कार्यवाही के दौरान सदन में कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम के नाम पर एजेंसी की ओर से अधिक पैसा वसूली का मामला भी उठाया गया है। भारत की वनडे टीम का हुआ ऐलान। इन दिनों भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का मैच खेला जा रहा है, वहीं अब भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के नाम की घोषणा हो गई है, जिसके तहत कृणाल पांड्या, परसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। चौथे टी20 मैच में आतिशी पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव टी20 के बाद वनडे टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। टेस्ट सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को भी टीम में रखा गया है। हालांकि डेब्यू पारी में जबरदस्त 50 लगाने वाले ईशान किशन टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। साबित हुए शुभमन गिल और केएल राहुल का चयन टीम में कर लिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रशीष कुमार, श्वेता राय, प्रदीप, सल्की न्यूज, रविंद्र पासवान, बलिंदर कुमार, साहिर राज, खान सर, असलम राज, मोहम्मद खलील, शिवानी कुमारी, अमरजीत कुमार, लक्ष्मण यादव, अमन कुमार, रौनक यादव, रवि पासवान, खुर्शीद अंसारी, रूबी यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी टी20 मैच में आपके अनुसार भारत या इंग्लैंड में से कौन सी टीम जीत की ज्यादा प्रबल दावेदार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।